नमस्कार दोस्तों, ये मैंने एवन कंपनी का ट्रेडमिल परचेस किया है अमेजोन से। और मतलब इसका आज हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन कैसा है क्या है। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा बॉक्स में बहुत ही बढ़िया तरीके से पैक होके आया था। इतना बढ़िया पैकिंग मैंने मतलब आज तक नहीं देखा, इतना बढ़िया पैकेजिंग था। क्योंकि जिस रेट में इन्होंने ये ट्रेडमिल दिया है, उस रेट में ये मतलब जितना हम पैसा पे कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इसका पैकेजिंग और ओवरऑल मतलब बिल्ड क्वालिटी वगैरह हम देख सकते हैं। तो ये इसका टॉप पैनल है। मतलब सबसे पहले तो ये जो ट्रेडमिल आता है, इसमें क्या है कि पूरा का पूरा मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ें रहती है, जहाँ से स्क्रूज़ वगैरह सब कुछ इन्होंने एकदम अच्छे तरीके से वेल पैक करके एक यूज़र मैनुअल के साथ दिया है। तो अभी मैं आपको इसका कंट्रोल पैनल के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको दो स्पीकर्स मिलते हैं, एक MP3 प्लेयर, मतलब अगर आपको मोबाइल वगैरह कुछ कनेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने केबल भी दिया है 3.5 mm का जैक के साथ। और ये देखिए, यहाँ पे स्पीड्स का है। तो ये जो स्पीड्स है, यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 और 12, ये दोनों हैं। यहाँ पे स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे फिर और इनके अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, 6 प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं P1 to P6 तक। और फिर यहाँ स्टार्ट बटन है, सेफ्टी पिन है, फिर ये स्टॉप और ये मोड चेंज करने के लिए है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स दे के रखे हैं इन्होंने। पैनल के लेफ्ट साइड में जो हम जहाँ पे हैंड रखते हैं, लेफ्ट वाला, यहाँ पे भी स्टार्ट एंड स्टॉप का यहाँ पे देख सकते हैं। एक स्टार ऊपर का दबा के तो चालू हो जाता है, या नीचे का इसे स्टॉप हो जाता है। तो स्टार्ट स्टॉप बटन से यहाँ पे, और ये आपका हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए, शायद से पल्स काउंट वगैरह चेक करेगा। और यहाँ राइट साइड में आओगे तो राइट साइड में यहाँ पे आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, दोनों भी यहाँ से है। और यहाँ पे फिर से पल्स काउंट का है। तो ओवरऑल ऐसा ट्रेडमिल है। अभी मैं आपको यहाँ पे दो का प्रोग्राम चला सीधा, पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट का काउंटर है और डिजिटल डिस्प्ले के साथ आ रहा है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर भी चलता है ऊपर, आप कितने टाइम से चल रहे हैं ये सब यहाँ पे चलता है। फिर यहाँ पे डिस्टेंस भी दिख सकता है, स्पीड भी दिखता है। फिर ये 0.2 मतलब यहाँ पे आपके कैलोरीज काउंट दिख रहा है और ऊपर पल्स का भी है। तो ऐसे हम कम कर सकते हैं। अभी मैंने लेफ्ट वाला मेरा ये बटन दबाया था, लेफ्ट हैंड वाला, तो ये अभी कम हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसका स्पीड बढ़ा के। तो ये देखिए प्लस है, आपको बस टच करना है। ये देखिए ऐसे, सॉरी ये शायद स्टॉप हो गया, मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ अभी स्टार्ट हो जाएगा और अभी मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। एक सेकेंड, हाँ ये बढ़ गया। तो यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना होता है। तो ये स्पीड बढ़ रहा है इसके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है ये दो जो दिख रहा है, ये दो दबाने के बाद ये इसका स्पीड बढ़ रहा है। तो ऐसे 12 तक कर सकते हैं। और आपको स्टॉप करना है, आप स्टॉप का दबा दीजिए, स्टॉप हो जाता है। अभी मैं आपको इसका बेल्ट के साथ दिखाता हूँ। तो ये इसका बेल्ट है, ये देखिए बेल्ट। अभी ये तो हुआ ये ट्रेडमिल का। अब इसके मैं और एक खासियत बताऊँ, तो ये यहाँ पे मैनुअल इंक्लिनेशन का भी है। तो एक मिनट मैं इसको ऐसा उठाता हूँ, अभी देखना। तो ये मैंने इसको उठाया, उठाने के बाद ये ऐसा लॉक होता है यहाँ पे नीचे, देखिए। और एक बार उठा दिया तो आपको ऐसा खींचना है इसको, और आप फिर यहाँ से इसको आगे वगैरह खींच के लेके जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ नीचे साइड पर इसको चक्के भी लगी हुई है फील से। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, इधर नीचे फील्स लगाए हैं और ये हाइड्रोलिक भी है यहाँ पे। तो ये जिस रेट पे दे रहे हैं ना, इस रेट में मुझे बहुत बढ़िया लगा है। मैं आपको रेट का भी इसके साथ एक्सप्लेन करूँगा कितना मिला है मुझे, कितने मिला है। यस ये व्हील है और इसके अंदर हाइड्रो, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या है, इसको पैर से आप ऐसा मार के इसको आप ये कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो आप यहाँ पे सीधे टच करेंगे तो अभी ये नीचे जा रहा है, देखिए ये अपने आप से नीचे जा रहा है। हाइड्रोलिक है इसमें, इसलिए तो बहुत स्मूथली जा रहा है, देख सकते हैं।
तो अभी टच किया है इसने, और यहाँ पे मैनुअल इंक्लिनेशन है अगर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है उसके लिए। मैं आपको यहाँ पे मशीन ऑन करता हूँ और आपको दिखा दो बेल्ट कैसे चलता है इसका। तो अभी मैं 4 की स्पीड पे लगाता हूँ सीधा, ये देखिए बेल्ट। अभी मैं लेके जाता हूँ 8 पे सीधा, तो अभी ये 8 की स्पीड पे गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 का स्पीड, और इसके बाद इसका 12 तक जाता है स्पीड टॉप। तो अभी मैं 12 पे लेके गया इसको, ठीक है। और अभी मैं आपको सेफ्टी पिन निकल के दिखाता हूँ। तो ये सेफ्टी पिन निकला, तो देखिए ये बंद हो गया। तो ऐसा है। तो अभी प्राइस पॉइंट की बात करता हूँ, तो इसमें क्या है कि मुझे अभी समर सेल चल रहा था, तो उसमें ये मुझे सिर्फ 8,700 या 800 कुछ रुपये में मिला है, और उसके ऊपर भी कुछ कैशबैक भी मिला था मुझे अमेज़न पे, ICICI और अमेज़न पे का जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्काउंट मिला था मुझे, और तो कुछ 5-10% कैशबैक मेरे अमेज़न पे में भी आ चुका है। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, अगर आपको लेना है तो देखिए, अभी समर सेल में मिला है। अभी इसका प्राइस तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना है, आप चेक कर सकते हैं इसका प्राइस, मैं लिंक में दे दूंगा। पर अगर आपको ये कैसा है कि 15,000 के नीचे अगर मिल जाए आपको, तो बिल्कुल वैलिड है इसको परचेस करना। इसका मेन रीज़न है कि बहुत सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं इसमें, MP3 प्लेयर के साथ साथ 1.5 HP का इसमें मोटर है, जो कि जिसका 3 HP तक पिक परफॉर्मेंस है, तो 3 HP तक जाता ही है इसका पिक परफॉर्मेंस, तो बहुत बढ़िया है। 90 kg तक ये मैक्सिमम वेट झेल पाता है ट्रेडमिल, मुझे तो बहुत सही लगा ये ट्रेडमिल। अगर आपको भी अच्छा लगा या आपको कोई भी क्वेश्चंस या डाउट होंगे तो प्लीज़ बताइए। मैं तो खुद इस ट्रेडमिल से अभी तो सेटिस्फाइड हूँ, पर आने वाले टाइम में मैं आपको इसका और अपडेट चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चंस वगैरह है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।